फ्रेंड्स आज हम आपको फैक्ट्री में ऐसी ऐसी कमाल की चीजें बनती हुई दिखाएंगे जिन चीजों को हर किसी को पता नहीं होना चाहिए कि ये सब चीजें कैसी बनती हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपकी नॉलेज कई गुना तक बढ़ जाएगी प्लीज सब्सक्राइब टू होमिनल टीवी एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर मीडिया चलिए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि बेबी डायपर्स कैसे बनते हैं बेबी डायपर्स मेकिंग मशीन दोस्तों डायपर बनाने के लिए इस मशीन में एक साथ दो तरह के रोल लगाए जाते हैं जिसे सेलुलोज पल्प कहा जाता है ये सेलुलोज पल्प पोलीपायरलिन और पोलिथायलिन से मिलकर बनते हैं बच्चों के यूरिन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके ऊपर सोडियम पोलिकारलेट और पोलियस्टर को प्रेस करके मशीन लगाई जाती है फिर जब ये मशीन इन्हें डायपर्स के नमूना बना देती है एक एक डायपर को के जरिए आगे भेजा जाता है जहाँ पर इनकी पैकिंग का काम शुरू होता है इन डायपर्स को पैक करके फिर मार्केट में भेज दिया जाता है तो व्यूअर्स अब चलते हैं शैंपू फैक्ट्री मेकिंग लड़का हो या लड़की बच्चा हो या बूढ़ा हर कोई अपने बालों की गंदगी दूर करने के लिए और बालों को अच्छा बनाने के लिए शैंपू का इस्तेमाल करता है लेकिन दोस्तों इस बात का किसी को मालूम नहीं होता कि जो शैंपू आप अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्या ये आपके बालों के लिए नुकसानदेह तो नहीं इसलिए दोस्तों सबसे पहले शैम्पू को इस्तेमाल करने से पहले आपको जानना चाहिए कि शैम्पू फैक्ट्री में बनता कैसे है ये पता होना जरूरी है कि शैम्पू में क्या डला होता है शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े मिक्सचर में पानी भरकर इसमें सिटाइल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड और शैम्पू को रंग देने के लिए पिगमेंट्स और यूरिया को अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू की बोतलों को रखकर आगे भेज दिया जाता है फिर इन बोतलों में शैम्पू भर कर आगे भेज दिया जाता है इन भरी हुई बोतलों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है और इन पर ढक्कन लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है कई कंपनियां इन शैम्पू की बोतलों को अपनी कंपनी के छपे हुए कागज और मोहरों को इन बोतलों पर चिपका देती है इस तरह शैम्पू को इन फैक्ट्री में तैयार किया जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा तो चलिए अब चलते हैं क्लॉथ फैक्ट्री में और जानते हैं कि कपड़ा कैसे बनता है दोस्तों आप मार्केट से जो शलवार कमीज का कपड़ा लाते हैं लेडीज की कमीज और इसका कपड़ा शॉल जर्सी और बड़ी बड़ी चादरें हर तरह का कॉटन सूती और जर्सी का कपड़ा खरीद कर लाते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि कपड़ा फैक्ट्री में कैसे बनता है दोस्तों आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे कि आपका भी इतना दिल चाहेगा कि ये फैक्ट्री आप भी बना लें क्योंकि ये कपड़ा फैक्ट्री में बहुत आसान तरीके से बनता है इसके लिए फैक्ट्री में बड़ी बड़ी रीलों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मशीन में धागा लगाकर छोड़ दी जाती है बाकी का सारा काम मशीन ही कर देती है ये मशीन सीध से कपड़े के अंदर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाकर रोल करती है और टी शर्ट बनाने के लिए भी काम आती है बस जिस रंग का कपड़ा बनाना होता है इस रंग की रील्स इस मशीन में फिक्स कर दी जाती है और मशीन में शर्ट का डिजाइन भी फिक्स कर दिया जाता है। ये मशीन बड़ी तेजी से शर्ट और टी शर्ट तैयार कर देती है बेड की चादरें बनाने के लिए निटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है देखते ही देखते बहुत तेजी से ये खूबसूरत बेड की चादरें तैयार कर देती है लेडीज के कुर्ते कपड़े और लेडीज की साड़ी भी तकरीबन इसी तरीके से बनती है दोस्तों आप अपने घर में किसी भी किस्म का गर्म कपड़ा ले लें वो छोटी सी मशीन इसी तरह की मैनुअल मशीन के ऊपर खूबसूरत डिजाइन बना देती है तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है इसलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अब फाउंडेशन फैक्ट्री मेकिंग में दोस्तों फाउंडेशन लड़का हो या लड़की हर कोई अपने चेहरे का रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करता है लेकिन आपको ये पता ही होगा की फाउंडेशन से रंग एकदम काफी गोरा कैसे हो जाता है नहीं तो चलिए जानते हैं आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फाउंडेशन के साथ रंग गोरा कैसे हो जाता है फाउंडेशन बनती कैसे है फाउंडेशन बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सचर में पानी डाला जाता है फिर इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर एलोवेरा जेल चावल का आटा कोको पाउडर एलोवेरा पाउडर क्ले पाउडर शे बटर डालकर इसमें दोबारा मिक्स किया जाता है अब ये बनकर अच्छी तरह तैयार हो जाता है फिर फ्रेंड्स इसको स्किन के हिसाब से कम या ज्यादा रंग मिक्स करके पाउडर डाल देते हैं अब इन फाउंडेशन को ऐसी मशीन में भरा जाता है जो एक पिचकारी की तरह काम करती है ये मशीन इनको फाउंडेशन के बॉक्स में बंद कर देती है फिर इनके ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं फिर इस फाउंडेशन के गत्ते के बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और आखिर में मार्केट में बेच दिया जाता है तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज के बारे में हम आपको बताते रहे वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया